केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार भारत को निरोग बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अलावा कई योजनाएं चलाकर भारत को स्वच्छ रखने का अथक प्रयास कर रही है और लोगों को YouTube, टीवी चैनल एवं अखबारों के माध्यम से तरह तरह के स्लोगन दिखाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। तो वहीं उन्हीं की पार्टी के चेयरमैन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर पालिका परिषद मैनपुरी में देखने को मिला, जहां करोड़ों की लागत में बने स्वच्छ शौचालय जो आज तक शोपीस बने हुए हैं, उनकी देखरेख न होने के कारण शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शौचालयों में गंदगी होने के कारण शहर में रह रही गरीब और झोपड़ी पट्टी के लोग आज भी शौच क्रिया या टॉयलेट करने के लिए शौचालय में ना जाकर खुले में शौच करने के लिए आज भी मजबूर हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी में नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के गोला बाजार पट्टी मोहल्ला के अलावा शहर में 21 सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालयों के नाम पर बजट पास किया गया। पूरे शहर में बात की जाए तो चेयरमैन मनोरमा के द्वारा 9,21,09,000 रुपए की लागत से यह शौचालय बनाए गए हैं, जिनका शिलान्यास बीजेपी के मैनपुरी प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया था। अगर शहरवासियों की बात करें तो उनका कहना है कि शहर में बने प्रत्येक शौचालय गंदगी युक्त है, जो आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो सके। शौचालय के बाहर तक बदबू आती है, जिसमें शौच क्रिया की बात तो छोड़ो, शौचालय के पास से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। आइए हम आपको ऐसी ही जीती जागती तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रत्येक शौचालय में गंदगी है और फर्स्ट क्षतिग्रस्त स्थिति में है। किसी भी शौचालयों पर टैंक नहीं है। बिजली की सुविधा की बात अगर की जाए तो मात्र कनेक्शन तो दिखाई देते हैं, लेकिन उस कनेक्शन का उपयोग किसी भी शौचालय में नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तक कोई भी शौचालय सुचारू रूप से चालू नहीं हो सके, और अगर चालू हो भी गए तो वह इतने गंदे हैं कि लोग इनमें जाना पसंद नहीं करते। टॉयलेट और शौच क्रिया के लिए वह खुले मैदान में जाना पसंद करते हैं। अगर बात करें चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता की, तो उन्होंने मीडिया को कोई सटीक जवाब नहीं दिया। वहीं अब अधिशासी अधिकारी लालमन भारती नगर पालिका परिषद मैनपुरी से बात की गई तो उन्होंने भी कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम है, वैसे तो रविंद्र कुमार है, लेकिन पंछी के नाम सब जानते हैं। सर आपका कौन सा मोहल्ला है, किस शहर के रहने वाले हो? नंगला रत्ती रोड मैनपुरी। अच्छा, यहाँ पर ये स्वच्छ शौचालय ये बनाया गया है, ये कब बना था सर? ये करीब एक साल भर पहले बना था। अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया, किसके सौजन्य? चेयरमैन के सौजन्य से। कौन थी उस समय चेयरमैन? अनुरा देवी। अच्छा, ये नहीं मालूम होगा कि कितनी लागत से बना है और क्या इसका रख रखाव है? लगभग इसकी लागत 4.5 लाख करीब है जी, और रख रखाव के नाम से नाम के लिए तो जीरो है। यहाँ पे देखा गया कि स्वच्छ शौचालय इसलिए बनाए जाते हैं कि जो गंदगी भगाई जाए, गलियाँ सुरक्षित रहें, कहीं लोग हैं। सफाई के नाम से तो बिल्कुल है ही नहीं है, इतनी बदबू आती है उनसे कहो, लेकिन यहाँ जो है पेशाब वगैरह जो भी है बहुत भरा हुआ है, लैट्रिन पड़ी हुई है। सब लैट्रिन चेक कर सकते हो? अरे हाँ सर, लैट्रिन वेटिंग ऐसी साफ होती है, कहीं महीना खान साफ हो जाए तो हो जाए, कहीं मतलब देख रेख करने वाला कोई नहीं देख रेख करने। अच्छा, केवल बनवा के खड़े। अच्छा, क्या इस शौचालय का किसी नेता के द्वारा कोई उद्घाटन किया गया क्या? नहीं, कोई उद्घाटन नहीं हुआ। कोई उद्घाटन नहीं। तो अभी तक ऐसे ही चल रहा है, एक साल हो गया इसको? एक साल ज्यादा हो गया। प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी कहाँ के रहने वाले हो? हम यही के हैं सर। गल्ला मंडी के समीप के गेट के ही हैं सर। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हो आप? ये ठेले वेले लगा लेते हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो ना ये नगर पालिका द्वारा ये शौचालय बना है क्या? हाँ जी। कब बना था ये? एक साल हो गई है कम से कम। अच्छा, इसमें क्या सुविधा है? कोई सुविधा? कुछ नहीं सुविधा है। तो ऐसी बना के खड़े कर? ऐसी बना के खड़े कर दिए, बदबू बदबू मारती, पानी आने का बचता वो डाल देते साहब, आप कोई जगह का दोहने के लिए लगा लें। अच्छा, तो यहाँ कोई सफाई कर्मी वगैरह नहीं है? कोई नहीं सफाई भाई करने, कोई किसी से कहते वो भी नहीं करते। 100 रुपये हमने कहा, 100 रुपये देंगे सुबह आधा झाड़ू के लिए, मानी हम ही करेंगे सफाई पर। अच्छा, ये बताइए कि ये नगर पालिका द्वारा इतने लागत में बना हुआ है ये स्वच्छ शौचालय, क्या ये शौचालय जो है ना क्या साकार करता है जनपद मैनपुरी को स्वच्छ रखने का, क्या इस हिसाब से? वो कुछ नहीं, इस हिसाब से कुछ नहीं। हमें तो भाई कोई लेट एंड जाता नहीं, पेशाब कोई जाता नहीं, उसकी गंदगी इतनी है। अच्छा, आप लोगों को भी जो ये आपातकालीन लग जाती होगी तो किधर जाते हो आप? हम तो इधर बम्मा पर साइड चले जाते हो, क्या मतलब शौचालय में नहीं जाते? नहीं जाते,
बदबू उठती है। अच्छा ठीक। विकास, विकास कहाँ के रहने वाले बेटा? कटरा मोहल्ला। अच्छा, यहाँ जो ना ये मंडी के सामने आप हो, नवीन मंडी, बल्ला मंडी, यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ ठेला लगाते हैं। अगर अचानक आपको मतलब जो है ना कहीं आपातकालीन में कहीं शौच क्रिया करने जाना हो या पेशाब करना जाने हो तो कहाँ जाते हैं आप? उधर जाते हैं, तलैया किनारे नाला अलग। लेकिन आपके यहाँ ये स्वच्छ शौचालय बना हुआ है, इसमें नहीं जाते? इसमें ये कुछ आई नहीं व्यवस्था, पानी आने की कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये कब बना, कब बना था भाई साहब? ये बना था 2018 में। तब से ऐसे ही पड़ा है? तब से ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जो ना बाहर गंदगी है, कैसे रहते हो? बदबू आती है क्या? बदबू बहुत आती है, लोगों को मना कर देते हैं कि अंदर मत जाइए। अच्छा, बंद पड़ा है? हाँ। लेकिन गंदगी अंदर है, बहुत गंदगी अंदर है, लेकिन हम लोग साफ साफ सफाई करने नहीं आते, कोई नहीं आता। सर, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कितने स्वच्छ शौचालय बने हुए हैं आपके नगर पालिका द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है 4 सामुदायिक शौचालय, 9 सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं जी, और 5 में सार्वजनिक मूत्रालय बना हुआ है। सर, तो क्या क्या सुविधा है शौचालय के अंतर्गत? इसमें जो है कनेक्शन भी हुआ है, पानी की व्यवस्था है जी, जो जो होना चाहिए हुआ है। उरी सर, अगर जो उन शौचालयों को स्वच्छ रखने की क्या व्यवस्था है आपकी नगर पालिका के द्वारा? सर, उसमें जो है सफाई की व्यवस्था की गई है, बाकी विद्युत कनेक्शन भी है, बीच बीच में जो है इसमें साफ सफाई भी होता रहता है जी। अच्छा सर, इसकी एक शौचालय की लागत क्या बताई जाती? 4,45,000 लगभग। और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हमने जो है एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह सभी वार्डों में कराया गया है जी। रोस्टर के हिसाब से अभी कराया जा रहा है जी। शहर साफ सुथरा है। सर, जनपद मैनपुरी में यहाँ शहर में कितने ये स्वच्छ शौचालय बने हुए हैं सार्वजनिक वाले, कोई जानकारी है सर आपको? 23। तो सर, अगर जो ये इनकी देखरेख के लिए मतलब कितने कर्मचारी हैं? इनकी देख रेख के लिए जो वार्ड में शौचालय बने हैं फिलहाल उसी क्षेत्र के जो सफाई नायक हैं जी, जिन्हें हम जमादार कहते हैं जी, वो अपनी निगरानी में इस समय है। अभी किसी हम NGO को से देने वाले हैं जी, तो उससे NGO वालों को भी लाभ हो जाएगा जी, और हमारी सफाई भी कल से हो जाएगी। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो स्वच्छता मतलब जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि स्वच्छ भारत निरोग भारत, तो ये इस देखा जाए तो वहाँ पर सर गंदगी का मार है, क्या कहेंगे हर शौचालय में जितने भी आपके बने हुए हैं आपके द्वारा? नहीं, उनकी सब चीज व्यवस्था में अभी हमें लग जाएंगे करीबन की बात। सर, एक साल से बने हुए हैं, लोगों का कहना है कि बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, कोई काम ही नहीं। एक एजेंसी को दिया था तो भाग गई एजेंसी। अच्छा, हम दूसरी एजेंसी को दे रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.